हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होंगे। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, 19 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के करंट अफेयर की जो बैकलॉग है, वो डे बाई डे आप लोगों के लिए क्लियर कर दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज आर नारायण स्वामी। आर नारायण स्वामी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस क्वेश्चन में जिस अथॉरिटी का जिक्र हुआ है, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2018 को अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके जो करंट चेयरपर्सन है, उनका नाम है रंगचारी श्रीधरन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाडा WADA वाडा एक्सटेंड्स सस्पेंशन ऑफ इंडियाज नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी बाय हाउ मैनी मंथ्स। वाडा ने कितने महीनों के लिए भारत के राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन का विस्तार किया है? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 6 मंथ। 6 महीने के लिए इंडिया की जो डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसको बैन किया हुआ है वाडा ने। वाडा की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मॉन्ट्रियल में, जो कि है कनाडा में। इसके जो करंट प्रेसिडेंट है, उनका नाम है विटोल्ड बैंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अकॉर्डेंस विद द 7th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020, द वर्ल्ड्स वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्कर्स, इंडिया इज अमंग हाउ मेनी टॉप वर्स्ट कंट्रीज। राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 वर्कर्स के लिए दुनिया के सबसे खराब देशों में 7वें संस्करण के अनुसार भारत कितने शीर्ष सबसे खराब देशों में से एक है? तो इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 10। जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वर्कर्स के लिए सबसे खराब, उनमें इंडिया शामिल है इस रिपोर्ट के अनुसार। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2013 को। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ब्रुसेल्स, जो कि है बेल्जियम में, और इसके जो करंट प्रेसिडेंट है, उनका नाम है अयुबा वबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज प्रकाश चंद्र कंदपाल को यहाँ पे MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेथला शांता विजया प्रकाश इज प्रेसिडेंट ऑफ विच अथॉरिटी। बेथला शांता विजय प्रकाश किस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं? तो इसका आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के ये प्रेसिडेंट है, यानी अध्यक्ष हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 1 जून 2016 को, और ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है, कंपनीज एक्ट 2013। इसकी जो स्थापना हुई थी, उसके लिए एक रिकमेंडेशन आया था, और उस कमेटी का नाम था वी बालकृष्णा इराडी कमेटी, इस कमेटी का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज संजीव बजाज। संजीव बजाज जी को यहाँ पे गैर कार्यकारी अधिकारी बनाया जाएगा। संजीव बजाज जो है वो द प्रेजेंट वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी है, और चेयरमैन ऑफ द कंपनी थे राहुल बजाज, जिन्होंने 31 जुलाई को स्टेप डाउन करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमपे लॉन्च इंडिया फर्स्ट नंबरलेस कार्ड इन एसोसिएशन विद विच बैंक। फैमपे ने किस बैंक के सहयोग से भारत का पहला नंबर कार्ड लॉन्च किया। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज IDFC बैंक। IDFC बैंक के साथ में फैमपे ने एक नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव द 2019 नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद से वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया। इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज कन्नन CS वॉरियर। कन्नन CS वॉरियर सी को यह अवार्ड दिया गया है, और कन्नन CS वॉरियर जो हैं वो सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं एट द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग। ये इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग, और यहाँ के सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज सुमित देव। सुमित देव जी को यहाँ पे चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट लेटर्स पॉलिसीज। किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बादगी नीतियों को वितरित करने के लिए कॉरपोरेट एजेंसी समझौते की घोषणा की। इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने LIC के साथ में ये एग्रीमेंट किया है। यूनियन बैंक के साथ में हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक, इन दोनों को भी मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रैंड रेनिसेंस डैम रिजर्वायर ऑन नाइल रिवर इज इन विच कंट्री। नील नदी पर भव्य पुनर्जागरण बांध जलाशय किस देश में है। इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज इथियोपिया। इथियोपिया वो कंट्री है जिसमें डैम रिजर्वायर बनाया गया है। इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम कंडक्टेड ए सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन मेड बाय 3D प्रिंटिंग। किस देश ने पहली बार 3D प्रिंटिंग द्वारा बनाए गए MGTD-20 गैस टर्बाइन इंजन का सफल उड़ान परीक्षण किया। उसका आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज रशिया। तो रशिया ने यह सक्सेसफुल टेस्ट यहाँ पे किया है। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड बिकम द फर्स्ट वुमन टू हेड अ लिस्टेड इंडियन IT कंपनी। एक सूचीबद्ध भारतीय IT कंपनी का प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी। इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज रोशनी नादर मल्होत्रा यहाँ पे फर्स्ट वुमन बन गई है जो कि एक लिस्टेड इंडियन IT कंपनी की हेड है। इनकी कंपनी कौन सी है, तो इनकी कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज, जिसके जो रिसेंट चेयरपर्सन थे वो थे इनके फादर श्री शिव नादर, और साथ ही साथ ये इंडिया की रिचेस्ट वुमेन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द रिपोर्ट ऑफ नोमुरा होल्डिंग्स INC ए जैपनीज ब्रोकरेज फर्म, इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स इंक के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत तक अनुबंधित होने की संभावना है। इसका आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 6.1%। 6.1% इनके अकॉर्डिंग इंडिया की GDP में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ UIC दैट इज यूनियन इंटरनेशनल डेस कैमिन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज. ये इसका इंग्लिश में नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज और ये इसका फ्रेंच नाम है. तो UIC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज अरुण कुमार. अरुण कुमार जी को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, अभी तक ध्यान रखिएगा अपॉइंट नहीं किया गया है. अरुण कुमार जी कौन है? ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ RPF दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनियन टेरिटरी हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च एम्बुलेंसेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिक ट्रीज इन द यूनियन टेरिटरी. केंद्र शासित प्रदेश में बीमार पेड़ों के उपचार के लिए किस यूटी ने एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर चेक करते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज चंडीगढ़. चंडीगढ़ वो एक यूनियन टेरिटरी है जिसने यह फैसला लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विक्टर शिजिकोव हु रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन. विक्टर शिजिकोव जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस पेशे से संबंधित थे? इसका आंसर चेक करते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, दैट इज आर्टिस्ट. बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे विक्टर शिजिकोव जिनका हाल ही में निधन हो गया. और ये फेमस क्यों थे? इन्होंने 1980 के मॉस्को समर ओलंपिक्स में उसका मैस्कट तैयार किया था जिसे शुभंकर कहते हैं और इस शुभंकर का नाम था मीशा जो कि एक ब्राउन बेयर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पंजाब गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद विच IIT फॉर स्किल डेवलपमेंट इन चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ में कौशल विकास के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर चेक करते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज IIT रोपड़. IIT रोपड़ के साथ में पंजाब गवर्नमेंट ने यह MOU साइन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियंस टू प्लेस टू अचीव अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियंस. तो भारतीय और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा संघ शुल्क के बीच एक आभासी बैठक एक अधिमान्य व्यापार समझौते को प्राप्त करने के लिए हुई. तो दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ में कितने देश हैं? तो इसका आंसर चेक करते हैं. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 5. इसमें टोटल 5 देश हैं और उन 5 देशों के नाम है दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लसोतो और एसावातिनी. इंग्लिश में नाम देख लीजिए आप, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लसोतो और एचवैनी, ये इनके नाम हैं. तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए ग्रेट डे.